हर हर महादेव, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट अबाउट अक्टूबर 2023। जैसा मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि अक्टूबर का महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसको समझ पाओगे कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या ट्रिगर हो रहा है इस महीने में, क्योंकि अक्टूबर का महीना जो कि त्योहारों का महीना है, इसके साथ साथ जब इतने सारे प्लैनेटरी ट्रांजिट्स होते हैं तो हमारी एनर्जीज इतनी अप डाउन होती हैं। तो अगर हम समझ लें कि क्या क्या हो सकता है तो वी विल बी एबल टू यूज इट टू आवर एडवांटेज। वैसे तो 1st, 2nd, 3rd अक्टूबर को ही ट्रांजिट्स हो रहे हैं, मर्क्यूरी गोइंग इनटू वर्गो एटसेट्रा एटसेट्रा, बट जिन ट्रांजिट्स के बारे में मैं आपसे बात करने आई हूँ विच आर मोर सिग्निफिकेंट, That is to do with two eclipses that are happening. The first is the solar eclipse of 14th of October, which is highly, highly significant. And of course, followed by the lunar eclipse as well. And then I want to talk a lot about the Rahu Ketu transit happening on 30th of October. Extremely important transit of 18 months, डेढ़ साल के लिए राहु केतु एक्सिस बदलने वाले हैं। उसका इफेक्ट हम सब पर, कंट्री पर, वर्ल्ड सिनेरियो पर क्या होगा, उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करना चाहूंगी। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो 14th अक्टूबर का सोलर एक्लिप्स है वो चित्रा नक्षत्र में घटित होने वाला है। चित्रा नक्षत्र जो है उनके स्वामी इंद्र होते हैं, एंड इंद्र सिंबलाइजेज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, a lot of thunderstorms and fires, etc., etc. अगर हम astronomically इस event को देखें तो this eclipse is called the Great American Eclipse, because ये जो eclipse है ये पूरे American continent में अच्छे से दिखने वाला है। and but जैसा हर बार मुझे पूछा जाता है और हर बार मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर कहीं किसी देश से ये eclipse दिखता नहीं है तो क्या इसका effect होता है? Well, इफेक्ट ज़रूर होता है। अगर कोई घटना आपके सूर्य और चंद्रमा पर हो रही है और पूरी पृथ्वी के लिए एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा है, तो विच एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू लिव इन, इट विल, यू विल फील द इफेक्ट्स। बट हाँ, हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ये ज़रूर कहा गया है कि जहाँ से ये एक्लिप्स दिखता है उस जगह पर और उस जगह पर रहने वाले लोगों पर 75-100% इफेक्ट आता है, और जहाँ से ये एक्लिप्स दिखता नहीं है वहाँ पर 50-75% इफेक्ट उस जगह पर और उस जगह पर रहने वाले लोगों पर आता ही आता है। एंड द अदर वे टू अंडरस्टैंड इट इज दैट द एनर्जी फ्लोज एवरीवेयर, सो इफ द एनर्जी ऑफ द सन और द मून आर गेटिंग इम्पैक्टेड देन वी ऑल कैन गेट इम्पैक्टेड इन वेरियस एरियाज ऑफ आर लाइफ। अब ये इंद्र पर्व जैसा मैंने आपको बोला वहां पर हो रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है? अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स ये कुछ कहीं ना कहीं लीडर्स में, राजाओं में एक मतभेद दिखाता है। सो देयर विल बी ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन किंग्स, ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन लीडर्स। ऐसे जब योग बनते हैं तो कहीं ना कहीं सिविल वॉर भी छिड़ सकता है, यू नो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्स, इंटरनल इशूज, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं जिनका ह्यूमैनिटी पर, कॉमन लोगों पर बहुत बुरा असर होता है। इट कैन ऑल्सो बी टेकन एज डेमोक्रेसी वर्सेज मोनार्की, कि एक जो है लीडर, एक देश है जो डेमोक्रेसी फॉलो करता है, दूसरा जो है वो मोनार्की फॉलो करता है, तो इनके बीच में मतभेद हो सकते हैं जिसके कारण काफ़ी सफ़र लोग करेंगे, लीडर्स भी करेंगे, किंग्स विल ऑल्सो सफ़र। कभी कभी कुछ इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस होती हैं, बहुत भड़काऊ कुछ बयान हो जाते हैं जो लीडर्स दे सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि सभी लीडर्स से, हर किसी एरिया के, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या कॉरपोरेट लीडरशिप हो, कहीं भी जो लीडरशिप पोजीशन में हैं वो किसी भी तरह का भड़काऊ बयान ना दें, किसी भी तरह की गलत एक्टिविटीज़ में अपने आप को ना डालें, क्योंकि इस सोलर एक्लिप्स का असर आप पर तो होगा ही लेकिन आपके लोगों पर भी होगा। और क्योंकि स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं इस अक्टूबर के महीने में कुछ इश्यूज दिखाई देते हैं, एग्रीकल्चरल लॉस भी दिखाई देता है,
और क्योंकि ये केतु की वजह से हो रहा है ग्रहण, तो हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। पीओके कुछ हो सकता है, वहाँ पर कुछ मुझे अनरेस्ट भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मैं यही बोलूँगी कि हर एक ग्रहण जो होता है उसका असर कुछ समय पहले से शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद तक रहता है, एंड दिस इज़ फॉलोड बाय द लूनर एक्लिप्स विच हैपन्स इन द सेम मंथ। सो जो हम बोलते हैं एज लीडर्स, जो हम एज इम्पॉर्टेंट पोजिशंस जिनके पास हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो आप बोलते हैं उसका असर लोगों के इमोशंस पर पड़ता है, उसका असर लोगों की मानसिकता पर पड़ता है। इसीलिए सूर्य जो कि गवर्नमेंट, सूर्य जो कि अथॉरिटी का कारक बनता है, जब उस पर ग्रहण लगता है तो लीडर्स अपना दिमाग खराब ना करके थोड़ा रैशनल थिंकिंग रखें और जो भी करें वो अपने लोगों के हित में हो। अगर आप अपनी ईगो में आकर कुछ करेंगे तो इसका खामियाजा देश को, प्रजा को, आपके स्टेट को, आपकी पोजीशन पर भी टेंट हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज बी एक्स्ट्रा कॉशियस अराउंड दिस एक्लिप्स। अगर इसके आगे हम एक और चर्चा करें तो मंगल जो है वो केतु के साथ आने वाले हैं, मंगल का तुला राशि में, तुला यानी लीब्रा, 27 दिन के लिए मंगल केतु के साथ रहेंगे। इसको कुछ ज्योतिष जो हैं वो अंगारक दोष मानते हैं, और इसके साथ साथ हमें पता है जुपिटर एंड सैटर्न आर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड। 28 तारीख को लूनर एक्लिप्स भी आ गया है। सो ये कंजंक्शंस जो हैं जब मंगल और केतु साथ में होंगे, तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए एक प्रिडिक्शन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मंगल की एनर्जी केतु के साथ इंटेंसिफाई हो जाती है बिकॉज केतु भी मंगल की तरह ही बिहेव करेगा, तो एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो गई। मंगल हमारी एनर्जी का कारक होता है, मार्स रिप्रेजेंट्स एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस, वोल्केनिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक्स, फायर्स, यू नो इट्स अ वेरी हॉट प्लैनेट। हमारे शरीर में देखें तो मंगल हार्ट है, ब्लड है, ज़मीन है, जायदाद है, ये सब चीज़ें हम मंगल से देख सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो मंगल केतु के ये 27 दिन, यानी आप पूरा अक्टूबर ही मान लीजिए, प्लीज़ बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद योर टेम्पर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज़, शांत रहिए जितना हो सके, माइंड योर ओन बिजनेस। किसी भी एंग्जाइटी वाली सिचुएशन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के ऑलरेडी हार्ट इश्यूज़ हैं या सर्जरीज हो चुकी हैं, उनके लिए एक विशेष ध्यान देने वाली वाला समय आ चुका है। एक मंगल केतु के साथ जब होता है तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ भी जाता है, और इसके साथ साथ शनि भी अपना नक्षत्र बदलेंगे। अब हमें सबको पता है कि 4 नवंबर को, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि 4 नवंबर को शनि डायरेक्ट होंगे, अभी रेट्रोग्रेड हैं, लेकिन नक्षत्र बदलने वाले हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में आने वाले हैं। तो मैं जो भी आपको कुछ जो चीज़ें बताती हूँ ना पॉडकास्ट में, वो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर, उनको स्टडी करके मैं बताती हूँ। इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मंगल का राशि परिवर्तन हुआ तो इस राशि पर ये प्रभाव होगा, क्योंकि मंगल के राशि परिवर्तन के साथ साथ ग्रहण भी लग रहे हैं, शनि भी अपना जो है नक्षत्र बदल रहे हैं, बहुत और सारी चीज़ें हो रही हैं। So it makes sense for me to combine everything together and then tell you, and then in simple words you will understand कि आप इसको अपनी लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब ये तो ठीक है, ग्रहण है, ये एक घटना है जो साल में 3 बार, 2 बार, 4 बार घटती है, which is fine. Be careful because चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण हमेशा जब लगता है तो कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज़बरदस्त हिलते हैं, हाइज एंड लोज में जीवन आ जाता है। और स्पेसिफिकली इस ग्रहण के लिए मैं बोलूँगी कि सत्ता पर, लीडर्स पर, राजाओं पर ये एक विशेष प्रभाव लेकर आता है। अब आपकी समझदारी है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। अब अगर बात करें 30 अक्टूबर से लेके 18 मई 2025 तक की, ये 1.5 साल जो है, राहु पाइसिस में जाने वाले हैं और केतु वर्गों में आने वाले हैं।
एक्सिस बदल रहे हैं। दो ग्रह जिनको हम शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं, नोडल पॉइंट्स ऑन द मून बोलते हैं, ये 1.5 साल के लिए अपनी राशि बदलेंगे, एक्सिस बदलेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नाउ राहु इज द हेड, केतु इज द टेल, ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। राहु इज ऑलवेज चेजिंग इट्स टेल टू कंप्लीट इट्स सेल्फ, बट द टेल इज ऑलवेज रनिंग अवे। नाउ अंडरस्टैंड वॉट इट इज। राहु लव स्पाइसेस साइन because it is the farthest from its own office, which is Virgo. So it loves this sign, and also because it is with its favorite food here. Pisces is fish and Rahu loves fish, so it's with its favorite food here. And the reason is also because Ketu is the tail, you know, and Rahu is always chasing the tail, so it gets related to fish. And Rahu finds itself very happy in the sign of Pisces. But Rahu is Rahu. It's full of illusions, a smoky planet. It governs big machineries, huge computers, artificial intelligence, the IT industry, the advancements in the field of occult, deep Siddhis, advancements in the field of medicines. Everything is Rahu. So when I'm saying that Rahu will be very happy in the sign of Pisces, I'm trying to say that it might give you advancements here. It's a great time, especially for the people who are undergoing a Rahu Mahadasha of 18 years. It can be a time of huge advancements, but Rahu, being Rahu, will also give you a seed of destruction, which means that the smoke and illusion of Rahu, don't get carried away by that. Let it be more real. Whatever you're doing, let it be more real. It's like you buy a huge machinery, but use it for the benefit of mankind. Don't invest in that big machinery because you will become the most powerful. Invest in that machinery because it will help every single person. That should be your mindset, because Rahu is in the sign of Pisces, and Pisces is governed by Jupiter, which is the Guru, which means a lot of good tendencies. So how you should look at it is that if you want good benefits of Rahu, especially for the people who are undergoing Rahu Mahadasha or Guru Mahadasha, if you want great benefits, if you want to do things which no one has done before, because I always tell you that Rahu is a period which can take you to extreme highs and extreme lows. People do crazy things in Rahu. All the inventions happen in Rahu. People think out of the box, and they are able to create it because Rahu is highly intelligent. But it will always give you a seed of destruction if you are doing things from the sense of misusing your power or a selfish spirit. So Rahu is very happy in the sign of Pisces, and this is good news, but again a big word of caution that I am going to give you. I love to say something right now, and I think you'll be able to relate to it more for all the people who are undergoing a Rahu Mahadasha, Antar or Pratyantar Mahadasha, that Rahu is like Walt Disney on steroids. So if you see that Walt Disney on steroids, what did I mean by that is that don't be intoxicated, don't be under an illusion. This is the time to create great stuff. This is the time to create magic. But you know how magic is, right? When a magician is performing magic, one mistake that he makes can actually force people to say that this was rubbish. So when you want to create something larger than life, you must understand that it can only be done when you have that sense of responsibility, that sense of ownership, accountability for your people.
Rahu, so you know, it's a sign. Pisces is the sign of Jupiter, and what planet is exalted in the sign of Pisces? It is Venus. So Pisces is the sign of exaltation for Venus. यहाँ पर शुक्र जो हैं वो उच्च के होते हैं, लेकिन क्या राहु और शुक्र की बनती है? आपने कई बार सुना होगा कि हाँ राहु और शुक्र की बनती है, लेकिन आज मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि ये सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए मित्र हैं। अंदर से राहु शुक्र को पसंद नहीं करते, क्योंकि राहु ने सफर किया मोहिनी अवतार के कारण। मोहिनी अवतार वो खूबसूरत कन्या थी जो विष्णु जी ने उसका रूप धरा और सारा खेल वहां से शुरू हुआ। तो अंदर ही अंदर राहु को मोहिनी पसंद नहीं है, इसीलिए राहु को शुक्र भी पसंद नहीं है। इनकी दोस्ती केवल दिखावे की है। मेरा मतलब आपको ये कहने का है कि अब 18 महीने तक जब राहु पाइसिस में रहेंगे तो प्लीज़ अपने पैसे को संभाल के रखिएगा, अपने पैसे के साथ कोई बर्बादी मत क्रिएट करिएगा, अपने पैसे को किसी गलत काम में मत लगाइएगा। गुरु के साथ जब पैसा हमारा कंबाइन होता है, यानी हमारा पैसा अच्छी चीज़ों में जाना शुरू होता है, तो उसमें बरकत आती है। ये समय राहु महादशा के लिए मैजिकल तो हो ही सकता है, मूवी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत मैजिकल समय है। क्यों? क्योंकि मूवी इंडस्ट्री क्रिएशन की होती है। उस पर्दे पर जो दिखता है वो सब इल्यूजन है, वो सब एक नाटक है, वहाँ कुछ भी असलियत नहीं है। लेकिन हम उस 3 घंटे में इतना एनग्रॉस हो जाते हैं कि हम उस पिक्चर को देखकर किसी और को 100 करोड़ 1000 करोड़ का बना देते हैं। ये होता है पावर ऑफ क्रिएटिविटी। सो मूवी इंडस्ट्री के लिए दिस पीरियड इज ऑफ अ ग्रेट बूम। Pisces also encourages a lot of love. Pisces में जब राहु होंगे तो आपको प्यार हो जाएगा, कई लोगों से प्यार हो जाएगा, आपको लगेगा आपको आपका सोलमेट मिल गया है। आप अपने आप को जस्टिफाई करोगे कि बस मुझे इसी की तलाश थी, दिस इज़ द लव ऑफ माई लाइफ, द एक्स पर्सन इज़ माई सोलमेट। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी, बी डिटैच्ड, get to know the person slowly, because Rahu here is going to give you, because it is against, from inside it is against Venus. तो हो सकता है आपके जीवन में कोई इंसान ऐसा है जो आपको दिखा रहा है ऊपर से कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अंदर से वो आपके साथ किसी और मतलब से है। So this is also a word of caution for all the people who are in love and they think that they have found their soulmate. This is the period of a lot of caution. अब इसके साथ साथ अगर हम देखें कि अब मैंने बात कर ली कि राहु जो है वो तो आ गया पाइसेस में, मीन में, लेकिन इसके साथ साथ केतु जो उसकी पूंछ है वो आ गई वर्गों में, यानी कन्या में। अब केतु का वर्गों में क्या हाल होने वाला है, थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। केतु इज अ हेडलेस प्लैनेट, इसका कोई सर नहीं है, ये सिर्फ एक मरी हुई पूंछ है जिसको राहु ढूंढ रहा है, और वो जितना उस पूंछ के पास जाता है उतना ही पूंछ उससे दूर चली जाती है, यानी इनकम्प्लीट हैं दोनों एक दूसरे के बिना। अब केतु जब वर्गों में आएगा, राहु इतना कंफर्टेबल है पाइसेस में कि वो केतु बाय डिफॉल्ट कन्या में आ गया जहां वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो जिन लोगों को केतु की महादशा लगी हुई है या जिन लोगों का केतु खराब है और उनको कई बार बोल चुके हैं कि आपको इस पर काम करना है, या यू नो अंतर प्रत्यंतर भी कभी कभी तकलीफ देता है, या फिर जनरल रूप में अगर आप माने तो केतु इस टाइम पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। बहुत डिफिकल्ट पोजीशन मानी जाती है ये केतु के लिए, और यहाँ पर वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से वो आपको कोई भी परफेक्शन नहीं देगा। इट विल टेक यू टूवर्ड्स बीइंग इम्परफेक्ट इन एवरीथिंग। इट कैन मेक योर लाइफ हाईली क्योटिक। आपके जीवन में जद्दोजहद सी, मन शांत नहीं है, दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, टेक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एविएशन इंडस्ट्री को केतु डिनोट करता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एविएशन इंडस्ट्री के लिए। केतु कैन पुश यू टू मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। आप अपनी गलतियों को बार बार दोहराना शुरू करते हो, इट्स लाइक
आप में दिमाग ही नहीं है। लोग आपको बोलेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सोच के करो। सोच भी रहे हो क्या बोल रहे हो? क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपके दिमाग को काम ही नहीं करने देता, क्योंकि उसका खुद का सर नहीं है। लोग किसी के भी बहकावे में आके अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। और वर्गों में जब केतु होगा तो ये इंस्टिंक्ट बढ़ सकती है। पीपल विल डाउट देयर ओन स्पिरिचुअल पाथ बिकॉज केतु के लिए हम ये मानते हैं कि केतु आपको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत देता है, हर किसी को नहीं, लेकिन हाँ, केतु कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान का कारक माना जाता है। लेकिन जब केतु वर्गों में आएगा तो आपको मानो एक डाउट हो जाएगा अपने ऊपर कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं पहले ही था, क्या मिला मुझे अध्यात्म में जाके। और ऐसे करते 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 आप खुद को फोर्स कर दोगे कि आप किसी फॉल्स पाथ पर चले जाओ। क्योस है ना, क्योस का प्लैनेट है ना, तो आपको जबरन ये ऐसी दिशा में लेकर जाएगा कि, क्योंकि दशा और दिशा दोनों जुड़े होते हैं, तो केतु के वर्गों में आते ही कहीं ना कहीं आपको डाउट होना शुरू हो जाएगा और आप एक गलत रास्ते पर चल पड़ोगे। इसी दौरान कई बार हम किसी गलत गुरु के हाथ लग जाते हैं, या कोई हमें मिसलीड कर देता है, हम किसी तांत्रिक के हाथ लग जाते हैं, हमें कोई अच्छे पाथ पर हम चल रहे होते हैं लेकिन हम किसी ऐसी कॉन्वर्जेशन में फंस जाते हैं जहां हम खुद को डाउट करना शुरू कर दें और हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। अब इसका एक और मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि केतु जो है ना वो सीक्रेसी का भी प्लैनेट है। जितनी भी सीक्रेट एजेंसीज होती हैं या लोग जो अपनी हायर स्टडीज करते हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो इंटेलिजेंस होती है, रॉ मान लीजिए, एफबीआई मान लीजिए, किसी भी तरीके की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, दे विल डू वेरी वेल व्हाइल दिस पीरियड गोज ऑन। इसका रीजन है, केतु छुपा हुआ ज्ञान देता है, ठीक है, और छुपे हुए ज्ञान के लिए हमें अपने अंदर उतरना पड़ता है। जैसे अगर आप एक सीक्रेट एजेंसी को लीड कर रहे हैं तो आप सारा दिन सोशलाइजिंग नहीं कर सकते हो, आप सारा दिन लोगों से बात नहीं करते हो, आपको अपना मंथन करना होता है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको आपकी इंटेलिजेंस के लिए हायर किया जाता है, और इंटेलिजेंस वो होती है जो हमारे अंदर से हमारी इंट्यूटिव एबिलिटीज होती हैं, ना कि वो जो लोगों ने कह दिया तो वो मान लिया, उसने कह दिया तो समझ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए केतु एक नॉर्मल इंसान के लिए हमेशा क्योस लेकर आता है, लेकिन जो ये डिपार्टमेंट्स होते हैं सिर्फ ये इस टाइम पर बहुत फ्लरिश करते हैं। तो अगर हम आपका से D1 चार्ट देखते हैं, D1 चार्ट यानी जो आपका बर्थ चार्ट होता है, उसमें राहु की 18 इयर्स की साइकिल होती है, यानी 18 साल बाद राहु उसी पोजीशन पर आता है जिस पोजीशन पर वो तब था जब आप पैदा हुए थे। इसीलिए जो 18 साल, 36 साल, 54 साल और 72 साल, यानी when you turn 18, when you turn 36, when you turn 54 and when you turn 72, these are life-changing years of your life. अगर आप actually देखें तो इन सालों में आपका जीवन हमेशा बदलता है, because हर 18 साल बाद राहु आपको कोई ना कोई नई beginning देने की कोशिश करता है। So if you're crossing your 18th year, your 36th year, your 54th year or your 72nd year, आप देखिएगा कि दिस इज गोइंग टू गिव यू सम न्यू थिंग राइट नाउ। एंड सिमिलरली इफ आई सी द ऑपोजिट विच इज द रिवर्स नेटल चार्ट ऑफ केतु, आई विल टेल यू दैट 27 ईयर, 45th ईयर, 63rd ईयर एंड 81st ईयर, दीज ईयर्स विल टेक यू टू योर पास्ट। द पास्ट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग यू ट्रिमेंडसली इन योर, इन दीज ईयर्स। समटाइम्स you know, when you're 27, 45, 63 and 81, this is the reverse natal chart. So it will take you to a time, you know, when you're crossing these ages where you will feel like going back to your past relationship. You'll just randomly start calling up somebody of your past.
you'll apologize, you'll just remember them, you know. So these are some transformative years in your life. And let me tell you one more thing, that while I am talking to all of you about Rahu and Ketu, I want to say that it is not just the Indian system or the Vedic system. Worldwide, all the philosophies, everyone, even now science and related physics or quantum mechanics has proven that these energies which are mentioned in the Indian Shastras, they have been called by different technical names, which obviously people are trying to understand more. But they just fit in so well in the thought process. Then you're thinking about your relationships, your money, your profession, your career, your thought patterns, your karmic patterns. Everything is so perfect. See, I am going to tell this to all of you, that being in this field for like almost more than three decades now, and not only just experiencing it with myself, but meeting so many, shayad itne saalon mein lakhon patriyan dekh li hongi, case studies itne sare ban gaye. Ek cheez main aapko bata dun ki ye planets aur inki energies har ek insaan ke liye kaam karte hain. Aap isko मानो या ना मानो, पर ये है. अगर आप मान लोगे, जितना जल्दी आप मान लोगे और इसको समझ लोगे, उतना जल्दी आप अपने जीवन को चेंज कर पाओगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द राहु केतु ट्रांजिट हैपनिंग ऑन 30th of October, अलोंग विथ द एक्लिप्सिस दैट आर हैपनिंग, इज गोइंग टू ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ. But it is on you, because see, अगर किसी को राहु की दशा है तो वो उसके लिए भी बहुत disclaimers हैं, और अगर किसी को केतु की दशा है तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा disclaimers हैं. क्योंकि केतु की दशा, जब भी मैं किसी के horoscope में देखती हूँ और उनसे बात करती हूँ, तो वो एक बहुत अजीब से zone में होते हैं. वो बहुत अपने आप को मानो धोखा देते हैं, you know, they don't understand कि वो जिस दशा में है वो ठीक भी है या नहीं. केतु विड्रॉ करवा देता है. आप अच्छी चीज़ों से विड्रॉ कर जाते हो, लेकिन आप अपने आप को बुराइयों में झोंक देते हो. ऐसे ही राहु जो होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देता है, और हमें लगता है हम अच्छा कार्य, ऑफकोर्स एक राहु के टाइम पर जैसे मैंने बोला, लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं और बहुत ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अगर वो जनहित में नहीं होगा तो राहु फिर बहुत ज़बरदस्त पटकी भी देता है. एक्सिस चेंज इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बिकॉज इट्स द शिफ्टिंग ऑफ द एक्सिस ऑफ टू एनर्जीज विच आर द नोडल पॉइंट्स ऑफ द मून. सो दिस इज गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन ऑल ऑफ अस, ऑन द कंट्री, इट्स इकोनॉमी, इट्स प्रोटेक्शन, एवरीथिंग अबाउट अस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. द ओनली थिंग इज we have to understand it, we have to be a little more cautious, we have to be a little more simple. And agar mujhe lagta hai ki in grahanon ke aas paas aur aise changes ke aas paas sabse important hota hai ki hum apna ahankar chhod dein aur hum ek bahut sahaj tarike se ye sochein ki parmatma ne hame kya kaam diya tha aur kya hum wo kaam kar rahe hain ya us kaam ko chhod kar hum baki sab kar rahe hain. बस केवल इतनी सी बात है. आपका परिवार आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आपका काम, आपके लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, फिर आपका समाज, आपका देश, विश्व. हम सब शायद इन्हीं चीज़ों से अलाइंड हैं, और परिवार को खुश रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को खुश, स्वस्थ, शांत रखना होगा. और राहु और केतु ये आपके जीवन में क्या चेंजेस लेकर आएंगे, आई थिंक अब आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर हो गया होगा. आई एम गोइंग टू कम बैक टॉकिंग अबाउट नवरात्रि ऑल्सो, नवरात्रि के बारे में बताऊंगी. और फिर तो दिवाली आ ही रही है, हमारी दिवाली महासाधना, 5 दिन की दिवाली महासाधना, माँ लक्ष्मी को अपने पास बुलाने की कुछ ऐसी सिंपल टेक्निक्स जो कि हम बहुत सालों से करते आए हैं. टिल देन प्लीज़ टेक अ लॉट ऑफ केयर अबाउट योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ सेफ, ड्राइव सेफ. द
ग्रहण के आसपास हमें गाड़ी सही चलानी चाहिए, नुकसान से बचना चाहिए। एंड जस्ट मेडिटेट, जो आपको प्रोसेसेस सिखाए हुए हैं प्रोसेसेस को मत छोड़िए। एंड दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, और आई विल सी यू ऑल सून। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।